प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें ताकि जितनी भी कोई परेशानी कोई मुश्किल हो वो हम खुद आपके साथ मिलकर हल करें। और हमारे फेसबुक जो पेज है तो वहां पर आप ऐड हो जाएं ताकि मैसेंजर पे मैं आपकी बात भी सुन सकूं और आपके मसले का हल भी निकाल सकूं। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करें इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद रबानी और हदीस इनसे शुरू करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि लोगों तक हमारी इस आवाज़ को पहुंचाएं ताकि और लोग भी जो उनसा है इससे मदद हासिल कर सकें और इनको आने वाली जिंदगी में आसानी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जब तक वो अपनी उस जगह पर ही रहे जिस जगह उसने नमाज अदा की और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो, अल्लाह ताला के फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसको बख्श दे, इस पे रहम फरमा। तो जो नमाज आप पढ़ते हो तो जितनी देर आप दुआ करते हो ना, जितनी देर जाय नमाज पे बैठे रहते हो, तो उतनी आपकी मुश्किल परेशानी तंगदस्तियां हर चीज खत्म हो, क्योंकि अब फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे होते। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। आज का जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, अमल मैं आपको तीन लोगों के लिए बताती हूँ, मियां बीवी, रिश्तों के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, और साथ में आपके प्यारे जो आपसे रूठ गए हैं उनको मनाने के लिए। गौर से अमल को सुना करें। आप कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं आप इसके बाद क्या, इसके बाद एक दफा गौर से वीडियो को दोबारा देख लिया करें, नंबर एक। नंबर दो, अमल बहुत लाजवाब है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन मेरे जितने भी अमल हैं उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बंद कमरे का आज मैं आपको अमल बताऊंगी। अगर आपके पास बंद कमरा नहीं है तो कोई ऐसा कोना या गोशा जो सा है वो इख्तियार करें जहां पर बहुत ज्यादा खामोशी हो घर के अंदर, ठीक है। कमरे के अंदर अगर बहुत शोर है, तो अगर कमरा भी एक है तो फिर कानों में रुई लगा ले ताकि किसी और की आवाज ना। फिर तहज्जुद का वक्त ऐसा होता है कि आप खामोशी से हर बात जो सी है आप आसानी से, जो किसी कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता और आप सबको अपनी बात कह सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। गुलाब की पत्तियां आपने लेनी है, गुलाब की पत्तियां अगर फर्ज करें कि आपके पास गुलाब की पत्तियां जो हैं वो गुलाबी रंग की हैं, तो फिर उनको थोड़ा सुखा लें। अगर आपको लगता है गुलाबी रंग की नहीं है और सही गुलाब है तो बेहतर है उसकी पत्तियां निकाल लें, ताजा गुलाब लें और उसकी पत्तियों को ले लें। गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो ताजा लेने की इसलिए जरूरत होती है कि एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मुबारक और खुशबू होती है, और दूसरा ताजा फूलों की एक अपनी एक महक होती है, तो वो बहुत लाजवाब होते, उस पर असर भी बहुत ज्यादा होता है। बंद कमरे के अंदर जो मैं आज आपको अमल बताने लगी हूँ, जिस तरह मैं आपको समझाऊंगी प्लीज वैसे कीजिएगा, गलती की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। वजीफा अलग चीज है, अमलियात अमल अलग चीज है। वजीफा का असर होता है लेकिन बहुत देर में, लेकिन अमलियात एक ताकत पकड़ते हैं, एक उनकी ताकत होती है, तो बस इस चीज का ख्याल रखें। गुलाब की पत्तियां आपने, एक गुलाब जितनी भी उसके अंदर पत्तियां हो, पानी का एक गिलास या बोतल, कोई भी शीशे की ले लें प्लास्टिक की ले लें, पर उसके अंदर पानी होना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, वक्त मुकर्रर कम से कम आप तहज्जुद के वक्त करें तो बहुत आला, क्योंकि खामोशी बहुत ज्यादा होती है, नंबर दो। और अगर ईशा के बाद या 12 बजे से पहले पहले 11 बजे और 12 के दरमियान करें तो ये सात भी अच्छी होती है, और दिन पीर जुमेरात और जुमा वक्त भी मैंने आपको, कपड़े पाक साफ हों, खुशबू से मोतर हों, अतर आपने लगाया हो, पढ़ाई में आप बैठे हों, बेशक आप ईशा की नमाज पढ़ने के बाद भी अमल करें तो बहुत आला है। दो नफल हाजत के पढ़ के अमल शुरू करें और बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज खत्म कर दें कि आप के पास मतलब कि कोई जहन में कोई ऐसी बात है, परेशानी है, इजी हो गए। अगर जरा सा शोरगुल लगे तो कानों में रुई रखकर आप अमल करें।
पढ़ना क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनस सालिमीन, आपने उसके बाद पढ़ना है या दर्दाइल या इसराफील, या दर्दाइल या इसराफील 33 मरतबा, बिल्कुल इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनस सालिमीन, या दर्दाइल या इसराफील, या दर्दाइल या इसराफील। उसके बाद आपने पढ़ना है अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है खुब, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम खुब, जिसके लिए आप अमल करें उसका और उसकी वालदा का नाम, ठीक है। अगर आप पूरे घर के लिए, शादी के लिए अमल कर रहे हैं तो पूरे घर वालों का नाम भी ले सकते हैं, जो जो नहीं मान रहा उनका नाम ले। अगर आप अपने किसी प्यारे को बुलाने के लिए कर रहे हैं तो फिर उसका और उसकी वालदा का नाम लें। अगर आप मियां बीवी हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि जो उस जिसको जिसके लिए अमल कर रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, उसके लिए करें। पहले दुआ करें कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो अच्छे तरीके से आपसे बात करे। नियत जो भी होगी वो ही होगा इंशाल्लाह। एक दिन का अमल है, एक दिन करके देखें, वाजिया फर्क महसूस होगा। ज्यादा तड़प, ज्यादा चाहत पैदा करनी है फिर दो दिन करें। अगर बहुत ज्यादा मतलब कि वो नाराज था और आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा वो हमसे प्यार मोहब्बत करें, तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी बहुत नायाब है, तो ज्यादा 3 दिन तक ये अमल करें। गुलाब की पत्तियों पर जब आप दम कर लेंगे, अमल पूरा कर लेंगे, जिस तेजी से, जिस मतलब के आप उसको हिलाएंगे, ठीक है, ताकत से, उतना ही वो असर करेगा। बस आप कोशिश करें कोई ऐसा जार ले जो ऊपर से एयर टाइट हो, और बस उसके अंदर आपने जो नाम और अपना और जो फरिश्तों का नाम लिया है उसको मतलब जोर जोर से हिलाएंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आपका जितना भी मसला है वो हल होता चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपने अपने आप को और उसको मतलब ये जिसके लिए आप कर रहे अमल उसका नाम लेके बंद किया, और फरिश्ते जो दर्दाइल है, इसराफील है, उनको भी आपने बंद किया, तो बस आपने हिलाना है और फिर आप देखिएगा। इसी के साथ अपनी इस बहन को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत जरूरी है अमल से पहले ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो फेसबुक और मैसेंजर है उसको ज्वाइन करें ताकि मैं आपकी मदद भी कर सकूँ। जजाकल्ला खैरा।